सारे भाई राम राम भाई, मैं आपका देसी पत्रकार मनीक जागरण आज पहुंचे हैं गांव मतलोड्डा में। मतलोड्डा गांव उकलाना विधानसभा में पड़ा है। उरत है अनूप धानक जेजेपी ते और बीजेपी की आशा रानी और बाला देवी कांग्रेस पार्टी ते और नरेश सेलवाल आजाद उम्मीदवार खड़े से हैं। और भी पार्टी यहाँ पर हैं तो इनके बारे में पूछांगे कौन बढ़िया लीड बना लग रहा है, कौन के चल रहा है, कितना पानी में कितना स्टैंड पर खड़ा है। गांव के कुछ बुजुर्ग नौजवान साथी हमारे साथ हैं, उनकी राय लेंगे, उनसे बात करेंगे। भाई साहब राम राम है, बलाव राम राम भाई सारे देशवासियों ने हिंदुस्तानिया ने। पहली बात तो भाई यह है, देखा मैं वोट तो देवे दुष्यंत ने। अच्छा। और दुष्यंत काड़ा मोल है, चाहे कोई मैं कहीं जाओ। फिर रही दूसरी बात, और तो देखी जाएगी नौकरी की, मैं किसान का नहीं कुछ कराया। फिलहाल ये तनख्वाह मंडल लग रही है भाई, बोले ले बुढ़ापा, किसी ने 22 है, किसी ने 21 है, किसी ने 2000 रुपये, तो वहाँ मौका का हाल है। छानबीन कर लियो और मीठा काम हो फिलहाल। अजय एक भी अच्छा काम नहीं कराया भाई बीजेपी ने, किसान का नौकरी तो लग गए तो लग गई, और किमें तो कराओगे, जिन कराओ जिंदी मड़ाओ कौन का। किसान का नहीं कराया भाई 1% काम, अरे कहते कहा था बोले आए दूनी करांगे, ये 6000 रुपये है जमींदार भाई आएंगे। अरे किसे के है रे, किसे के आए नहीं रहे, यो समाधान नहीं हो रहा। यो से भीतर तो भरे हो रहा आदमी की जवाब, मन कुछ पूछा है पहले ही सारी चीज गह दी, यानी सारे तंग हो रहे हैं, कहने का मतलब यू है। और किसान, किसान तो भाई जड़े भी जावा सारे रोंदे पावे है। मैं किसान के बारे में पूछूंगा, किसाना खातरी सरकार ने के कराया भाई? किसाना का तो कुछ कराया को नहीं, बीमे है कुछ है, बेचारे ने ले बिजली के भरे थे, ये फार्म फूरम तो टेबल टावल गए, ये रोंदे अंड है बोले हमारे पीछे खाएगी मारे नहीं कि मैं काम बनया सारा उधर हुआ भाई कुछ नहीं कर। अच्छा मैं तो दूषित आए जी नहीं हाज होना भाई, यो आए जी बिगड़ा टक्कर में कोई गलती होगी, दूसरी की फाइट में सही नहीं कोई बच क्लियर हो रहा जमा क्लियर है भाई। तब राम 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 भाई, तब के नाम है बारू किसा के गांव में सुख शांति जमा बहुत बढ़िया भाई खुशहाल है। तो इब इलेक्शन की गर्मा गर्मी उठन लग रही है, जाडा होने लग रहा है, तो के कुछ चल रहा गांव में, किस्ती दे वोट वाट भाई आड़े तो दुष्यंत का जोर होता जान लग रहा है। अच्छा दुष्यंत का जोर होता जान लग रहा है। दुष्यंत सांसद रहा 5 साल, कि मैं काम कुम कराया है न मारा तो कि मैं कर नहीं कहा। अच्छा काम कि मैं कौन कर, बस वो पसंद आ रहा है, सही कहा। अब युवा पीढ़ी के पसंद आ रहे हैं, मतलब उसकी जो सोच सवाच पसंद आ रही है, उसके काम पसंद आ रहे हैं, क्या खास है उसमें सा? खास भैया दुनिया बालक युवा पीढ़ी का जोर हो रहा ही है। अच्छा है बूढ़े तो वोट भों कोई गिर जाएगा गरीब कि मैं लग गया। उसने बूढ़े की पेंशन बढ़ाने की बात कही है, उसके बारे में क्या सोच सवेरे भैया? तो उसकी आगे आने के बाद है, बनाओगा ना बनाओगा इस बात का तो आगे लगेगा तोल। अच्छा आपने भी बहुत सी पार्टियां देखी है, बहुत कोई कितने उम्र होगी? मारी तो उम्र भाई 65 साल होगी। 65 साल होगी यानी न्यू ला लो 45 साल तो होगी, समझदारी आई ने मतलब। हाँ। तो 45 साल में न्यू देख लो कितने आए हैं, कितने गए हैं, किसान खतरिया सरकार किसी से या तो सही को नहीं जड़े जड़े को नहीं फिर आगे किस तो उम्मीद ला होगा किसान का, कौन भला कर सके भला भाई? बनने के बाद कोई इबलक तो किसी ने कर करेगा तो उसकी कवांगे। टक्कर में कोई दिखा है? टक्कर में तो दो आएंगी, टक्कर है लाले इस हल्का में दो। किसकी? दूसरा कौन? बीजेपी दुष्यंत। बीजेपी दुष्यंत ठीक है जी। अरे भाई अरे तो पीना पानी को नहीं मरा है सारे लोग। अच्छा भाई पहला मुद्दा गांव मतलोड्डा में पानी की पीने की समस्या है भाई। डग्गी में तो नरा बांस का पानी पिवाड़े तो सारा काम ने देख लो भाई। डग्गी के अंदर भी दरखास्त दे ली खट्टर की, ओडे भी को नहीं संभाल होंदी, कहने का मतलब यो पीने का पानी भी नहीं है गांव के अंदर। पीने का पानी नहीं है, बैसला पानी पीवे सारा काम। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और भाई ठीक? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ। बस ठीक है भाई। भाई गांव में के मोल चल रहे भाई साहब? गांव में मोल तो जिस तरह आपने पता है स्टार्टिंग तो है, मतलब यदि बीजेपी की बात है मैं करूंगा, मतलब यह केवल दो ही नारियां तो चली थी। एक नारा के था, इन्होंने नारा दिया भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि खुद का मेरा अपन बोरी गाँव में सेंटर है, केवल लड़कियों का कॉलेज चलाते हम, बी ए फर्स्ट सेकेंड फाइनल जिस तरह से KU यूनिवर्सिटी से। और जैसे मतलब गाँव में हम लड़कियों के लिए कन्वेंसिंग करते हैं, तो कन्वेंसिंग पर क्या होता है, मतलब हर एक जगह से अपने आसपास के जो हल्का उकलाना के जो गाँव है उनमें यह रिपोर्ट आया है भाई, पहली बात तो यह है ट्रांसपोर्ट नहीं है,
ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, जिस तरह से आप सुबह जो कॉलेज टाइम होता है आप आओगे देखोगे मतलब भेड़ बकरियों की तरह मतलब यात्री हैं जो मतलब उनमें ठूस है। मैं रोकना चाहूंगा भाई ने, यानी दूसरा मुद्दा यो मिला है भाई, जो लड़कियां जो लड़के सवेरे पढ़ने के लिए कॉलेज स्कूलों में जाते हैं उनके लिए बस की सुविधा नहीं है, यानी ट्रांसपोर्ट की समस्या दो नंबर समस्या आएगी भाई। और जैसा कि जिस तरह ले नारा तो देते हैं भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मतलब दुष्कर्म है भाई बेटियों के ऊपर इसी सरकार में हुए हैं। आप पिछला जो भी आंकड़ा उठाओगे ठीक है, और इस सत्र का जो मतलब आंकड़ा देखोगे तो ज्यादातर परसेंटेज के दुष्कर्म इसी सरकार में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मतलब जिस तरह से स्टार्टिंग में जो इन्होंने नारा दिया था उस नारा से ये उठ तो गए, लेकिन अब गारंटी के साथ कह सकते हैं भाई यहाँ पर मतलब विपक्ष वाले भी बैठे पाओगे, विपक्ष वाले भी बैठे पाओगे, लेकिन कोई भी नागरिक नरेंद्र मोदी जी के लगातार जो 10 अपील सुन लेगा तो उसका ऑटोमेटिक मन पीछे हट जाएगा, ठीक है। सच्चाई का पता चल जाएगा कि भाई मतलब उनके अंदर कितना दम है, क्या वो कहना चाहते हैं। लगातार कोई भी मतलब 10 अपील उनके सुन लो तो उनकी झूठ का और सच्ची बातों का पता चल जाएगा, ये सच्चाई है। और बात करूंगा मैं हल्का उकलाना की, इसमें कोई मतलब दोराई नहीं है, मैं खुद की बात करूंगा। पहले मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था बताना चाहूंगा आपको, लेकिन इनकी जो लहर बताऊं, जैसे मैंने दुष्यंत की लहर देखी, जीजेपी की लहर देखी, या दुष्यंत भाई का अपना जो विचार सुने ठीक है, अनूप धानक जी अपना हल्का उकलाना था, जैसे कि मतलब इनके प्रचार देखे तो कहना मतलब क्या हो गया एकदम मन सभी पार्टियों से हट गया। और गांव मतलोड्डा की नहीं, मैं तो हल्का ही बात करूंगा, इसमें मतलब क्लियर है स्पष्ट बहुमत जीजेपी का ही आएगा, मैं श्योर कह सकता हूं ये बात। एक बीजेपी सरकार ने नारा दिया था 75 पार, हाँ जी, उस 75 पार के बारे में क्या बोलोगे भाई साहब? 75 तो गया दूर मेरे हिसाब से, तो 20 पार कर दिए हुए काफी है जहां तक जिस जो लहर देखने को मिले है, ठीक है, यही बात है। बाकी जिस तरह स्टार्टिंग में तो लारा दिया था भाई 75 पार, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस तरह से जगह जगह जाते हो गए मतलब आंकड़े के इकट्ठे भी करते हो गए, लगातार पिछले 2 या 3 दिन से जो जेजेपी की लहर वो बढ़ती जा रही है। यानी सीएम कौन बनेगा फिर, सीधी सीधी नहीं बता देवी? सीधी सीधी बात है, जहाँ तक मेरा आंकड़ा है या मतलब जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ तो उनका प्रचार देखते हुए मेरे तो राय यही है दुष्यंत ही, ठीक है भाई। दुष्यंत चौटाला का समर्थन ज्यादा मिलने लग रहा है, कोई भाई न्यू वीडियो देख के न्यू ना कहियो कल्ले दुष्यंत की बनाओ, मैं सारे थी खुला कहूँ, कोई बीजेपी कांग्रेस कोई हो भाई आके बोल सकता है कदे कल वीडियो में न्यू कहो भाई ये तो दुष्यंत ही बनाने लग रहा है। तब राम राम। राम राम भाई। तब किसने वोट दोगे? दुष्यंत ने दोगे? सारे दुष्यंत के बैठे हो गए ना? बीजेपी बैठे हो गए? अच्छा अक लहर हो रही है? ना ना लहर हो रही है। अच्छा बाकी वो मैंने पूछा ठीक सब था। तो अनूप धानक है जो अपना उड़ता प्रत्याशी है जेजेपी का, पाछे भी विधायक रहा है, उसने में काम करा है? काम को बेचारा मुकदमा है क्यों दी, काम के कराओ ये भैंसे कितने हैं कुछ है, मतलब गांव का सुख दुख में आज है कौन कौन आज है कुया कुया आज है कुया कुया। अच्छा और जो आशा रानी खेदड़ है उसका किसा करो सुख से काम? उसका तो जानने भी लागे आने भी लागे हो तो फिर तो उनका आगे पाला देवी वो नहीं है अच्छा जानते ही नहीं वैसे के लिए तो देखिए। नरेश सेलवाल भी अपना पुराना विधायक रहा है अलका का उकलाना अलका का, उसके बारे में क्या विचार है? बंदा वो भी ठीक है। अच्छा बाकी भी दुष्यंत की रही जल्दी तो दुष्यंत सीएम आ जाओ रेलवे बस दुष्यंत सीएम आ जाओ कुकरे जो संदीप लाल जी क्यों करा भाई वो। अच्छा भैया ये देवीलाल की छवि देखो इसमें। हां ठीक है। तो राम राम। राम राम भाई राम राम। ठीक है और ठीक हो? ठीक बढ़िया। अच्छा के मोल है फिर तो आप किसने वोट दे हो? भाई वोट तो बीजेपी ने देंगे हम तो। अच्छा बीजेपी ने दोगे? तो के कुछ है बीजेपी में आशा रानी खेदड़ का किसा के मोल चल रहा है? मोल चल रहा है। गांव में के आंकड़े है के समीकरण? मैं समीकरण है भाई बीजेपी जीतेगी, पिछली जो एमपी का इलेक्शन था उसमें भी बीजेपी जीती थी और इबे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी सरकार थी अपने पास पीछे बीजेपी सरकार थी उसने कुछ काम करवाए गांव में? काम गांव में गली A to Z पक्की। अच्छा। एक थोड़ा पानी है नी जो डग्गी में वो थोड़ा गलतान लग रहा है, एक आधी बार शिकायत भी करी नल नाल की कड़ियां टूट रही है वो थोड़ा गंदा पानी आ जाए अफसर सुन नहीं रहे। यानी पानी की समस्या तो वह बीजेपी वाले भी मानने लग रहे है पानी की समस्या है हमारा गाँव में? हमारे गाँव में पिछले साल किसी ने मोजा नहीं दिया था, फसल तो बिक्री है। अच्छा इसकी 9,000 रुपये एकड़ का मोजा दिया था चौटाला साहब ने, एक बार मारते ही मोजा 4 रुपये एकड़ का दिया था। तो अनूप धानक का किसा का मोल? अनूप धानक का मोल कम है मोल है। अच्छा अनूप धानक कदे बेसन आ गया वो इन्हें गए आम सरोजिन काम में नहीं आया कदे भी, कदे नहीं आया ना का टिकट मिली है वो तो इबे जनाधार हो या उसका पहले जनाधार कौन था? अच्छा।
टिकट ले पाछे कितनी बार गांव में आली? गांव में आली हुआ 4-5 बार आली गांव में। किसाक जन समर्थन मिला गांव में? गांव में ठीक मिला, कुल मिला के बढ़िया। कितने एक वोट से गांव में? गांव में है लले 4800 वोट लगभग। 4800 फिर कितने वोट मान के चलो फिर आशा रानी के? आशा रानी के वोट है 2000। चेसर वोट ले जाएगी अपने शर्त मार लो दिया कौन सा कौन सा? नहीं तो हमें जीतने की तो हमें मर दो तो हमें मर लो इसमें कहे है। हाँ भाई ले भाई देख लो 400 वोट एक पन्ने 2000 एक पन्ने शर्त लगनी शुरू होगी है। मैं जीता रहे नुपने रहे मैं घूमे मारे रहे गाम मत है पाथे भी जताओ थे यू कोई में फिर के मोल रहा इन लो का बता के मोल रहा था इनलो पार्टी का के मोल इनलो बता दो इनलो के ललिता टाक खड़ी है मेरा खत्म है भाई सारा सिस्टम इनलो का। हां ललिता टाक ना जानते दोगे? जाना अच्छा देखी थी आई थी आई थी के उतने देखी थी बस ना एक दूर पहले देखी रहे मुझे। अच्छा तो भाई देखो दो ही पार्टियां में टक्कर है गांव मतलोडा में बीजेपी और जेजेपी इस बात का बेरा कोनी कौन कितने वोटों से जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। एक और अंकल जी हमारे पास बैठे हैं उनसे और पूछेंगे कौन कितना चालन लग रहा है पर खेदड़ तो हुई हल्के मावे से के बात की अरे खेदड़ तो ऐसा गांव से जड़ते प्रत्याशी सबसे गणेश से क्यों अंकल जी? ठीक है जी जितने प्रत्याशी हैं बढ़िया है। अच्छा पर किसने जीता हो? जीता हुआ तो के मतलब एक बात पूछ रहा हूँ GST लगाई है नहीं मोदी जी ने इसका आम आदमी का के फायदा है नोटबंदी का क्या फायदा? जो सवाल पूछने वाले हो तो पूछ दे कोई आप वो GST लगाई है नहीं आम आदमी के क्या फायदा है? ये चीज तो आप पूछो भी हम तो पत्रकार हो गए हमें कुकर भाई ये बात पूछूं भाई जो GST लगाई है नहीं 100 रुपये चीज मिला दी आज वो 130 की मिला है कुआड़ चढ़ाने वाला रोवा है जो 6000 की जोड़ी चढ़िया कर दिया 9000 की चढ़ा है। बिल्कुल सच्ची बात है अपनी लिमिट कुआड़े तक सही यानी आप इतना ही बेहोत सा अपना हंसने की बात को नहीं आप बिल्कुल सही बात है जो गरीब आदमी है लाल मर पड़ के तो जोड़ी चढ़वा हर 6000 की चढ़े 9000 की चढ़ा फायदा के GST का नोटबंदी का क्या फायदा है? लोग तो बीजेपी ने नोटबंदी करके आम आदमी को तो लठाया है कमजोरी आई है एक नोट पर 2000 का 500 रुपये खर्चा हुआ है वह कट गए 100 का नोट पर 25 रुपया हुआ है मतलब यह नोटबंदी GST लगाई है इनमें फायदा क्या है आम आदमी का? आम आदमी है जिसका जितना डंडा चढ़ा वो इसे के गीत गाओगा। किसानों के बारे में क्या कहोगे सरकार ने किमें करा क्या किया है जो नुकादा किसान ना भाई किसान का मतलब कुपास का बादूना देंगे कट्टा तो 14000 रुपया कुपास हुआ है 5000 आम आदमी का लठ दे रखे और आम आदमी नु कहे बीजेपी है अच्छा 45 आम आदमी अच्छा सिलेंडर 300 का था 700 का मारिया नरा लो कबाड़ था खपाई दिया। दुष्यंत के बारे में क्या विचार है? दुष्यंत ने तो उलाना दे सकते हैं लेकिन CMO गंदे काम करे अब तक तो आम आदमी है कोई सरकार नहीं कोई और नहीं उलाना आम आदमी क्या है 5 साल अपना ही सहारते लोकसभा की सीट पर सांसद रहा कोई था कोई नहीं उसके पूरे संसद नहीं था मतलब एक आयक था मतलब वो कुछ भी नहीं आम आदमी है मतलब मौजूद हो जाएगा नहीं हरियाणा का CM हो जाए जिदे उसको उदाहरण दे सका जिदे वो कह सका मनोहर लाल खट्टर है फिर CM पिछले 5 साल उसके ने के करार के कुन कराया हमें तो कुछ अच्छा रो जड़ा जो है पाली लागने थे ओड़ा MA PhD डिग्री करे हुए चौकीदार लागे है चौकीदार तो 10वीं करे ले गया रहा है PhD करे डॉक्टर लगेगा वो कौन लागे मतलब पानी पियाने वाला फिर आप वोट किसने दोगे? मैं तो जो बढ़िया आदमी होगा उसको देंगे ना बात ना घुमावा खेदड़ का हर खेदड़ में 2 प्रत्याशी हैं न्यू बता वोट किसने देगा ये दुष्यंत ने दूंगा हाँ खुल के दुष्यंत ने यानी अनूप धानक ने देगा गांव वाला ने वोट अनूप धानक ना नहीं दुष्यंत ने दूंगा मतलब दुष्यंत की पार्टी ने वोट देगा क्या बात हुई अंकल नमस्ते नमस्ते और ठीक सो बढ़िया खट्टर सरकार बहुत बढ़िया आई थी अंदर जमींदार थी बहुत बढ़िया तोहफे शुरू करे थे उनने हम भी उसकी चोट खाई थी 1-1 लाख रुपये ट्यूबवेल पे कनेक्शन पे ठोके थे उती अगले पे वजन उठो ना उठो सरकारी कनेक्शन 3 साल पहले की स्कीम थी उड़गी इसने अन्य क्या भाई 1-1 लाख रुपये और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के रूप में मतलब जो स्कीम पहले की थी इसने मनमानी मतलब वह रखी
ना कोई सुनवाई करी, दोषित ने वो मुद्दा भी उठाया, किसी की उन्हें सुनी नहीं। तो आगे के विचार है जो सीएम रहा है अपना हरियाणा का, इसने के सोच के नई बाग बनाओगे को नहीं बनाते? लाख का सुवा मारा लाया था, ये मारी बारी सुवा लाने की, उस तो बड़ा लाने की सोचा। अच्छा उसका सुवा लाओगे बड़ा? कै साल तक रहा भाई ये? 2 साल हो गए भाई साहब। फिर कि मैं हाथ पल्ला लग गया ना भाई सरकार में, कि मैं हाथ पल्ला लगन लग रहा, पेपर दे आवा हाँ, अच्छा कड़िया सीटर बैठ जी हैं, कड़िया किमें हो जी है, उस करके ना लिस्ट में नाम में नहीं आना लग रहा भाई। पूरे कलर का पेपर दिया था? कलर का पेपर दिया था भाई। कड़ा हुआ था भाई पेपर? था भाई साहब फरीदाबाद। ठीक ठाक पहुंच गया? ठीक ठाक तो के पहुंच गया भाई साहब, बसा में इतनी भीड़ है पूछा ना जमा, बदीन माटी हुई है कसूती भी। तरी वेकर का उसने दुष्यंत चौटाला ने कहा था भाई ओम डिस्ट्रिक्ट में पेपर करवाएंगे। हाँ भाई आप बात दुष्यंत की बहुत बढ़िया लगी, पर दुष्यंत ने कहा था ओम डिस्ट्रिक्ट में पेपर कराओ, इस तरह परेशानी बहुत कम होगी, अच्छा जगह जगह पर एक्सीडेंट हो है बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन गल मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने भी यह बात कह दी आगे जो पेपर होंगे हमें भी ओम डिस्ट्रिक्ट में करवाओगे, उसके बारे में क्या कहो? उसका बारे में तो भाई इबे नहीं करवा, इसके आगे के करवाओगे हैं, ये तो लोगों ने फद्दू लगे रहे जमा बनाने कड़िया, या बात कहने लग रहे पेपर पेपर भाई कड़िया फार्म भरा लें फिर उन्हें कैंसिल करवाए दे हैं, कोई समझ में नहीं आने लग रही सरकार की, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ा रही है। बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा एक ये है कि भाई हमें निष्पक्ष नौकरी देने लग रहे हैं, निष्पक्ष नौकरी लगाने लग रहे हैं, तो इस बारे में आप न्यू को बुलाया बीजेपी काम किए को नहीं? आप तो पढ़ो, आपने तो इस बारे में बेरा होना चाहिए। निष्पक्ष नो हवा के निष्पक्ष है, इतना कलड़ा पेपर था भाई, कड़िया सीटर बैठे हैं, कड़िया किमे है, अच्छा निष्पक्ष है, 50% निष्पक्ष है, 50% नू फर्जी लगन लग रहे हैं भाई बीबी। यानी नू नहीं बोल सकते, बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है, बिल्कुल निष्पक्ष नौकरी लगाने लग रही है। हाँ बिल्कुल भाई नहीं बोल सकते, अगर भाई बीजेपी सरकार 100% निष्पक्ष नौकरी दे रही है। के नाम भाई? प्रमोद भाई साहब। ठीक है भाई धन्यवाद भाई, राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई। किसका माहौल चल रहा है गांव में? भाई गांव में तो अनुपधाना का चल रहा है। अनुपधाना का? हां। कि मैं गांव में आया भी को नहीं आओ? हां गांव में आता भाई, डोर टू डोर आता। नहीं सुख दुख मकड़ियां आवा? मैं आवा है भाई, आवा जरूर आवा सुख दुख में भाई। अच्छा बीजेपी की जो प्रत्याशी है उसके बारे में भी चौकी आवाज सुनी है हो रही है कुलाना में, उसका क्या माहौल है? ना भाई उसका तो मारा गांव में तो है कोई माहौल और बेरहने की कड़ियां हो, लेकिन बीजेपी सरकार इकाई नहीं आनी चाहिए, क्यों वहां नीचे करने लग रही है। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा रोड ने भी निजीकरण लाई थी, कारण कुछ रेलवे ने भी निजीकरण का है, निजीकरण के कारण तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस कारण बीजेपी ने हम वोट नहीं देंगे, जेजेपी ने देंगे। तो गांव की कोई समस्या हो जो लग नहीं बनी हो बीजेपी सरकार में, या फिर उन्हें करा जो समस्या रही हो आपकी पहले उसका समाधान कर भाई, जो को समस्या लेकर जाओ हाँ वह कर देगा नहीं पूरी। अच्छा। एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री क्षेत्र गए थे लेकिन उसकी सुनवाई करिए नहीं। तो बस बसा की सुविधा किसी से गम है? बसा की सुविधा कोई सुविधा नहीं भाई, 4-5 चल रहा हुआ, 2-2 घंटे में आवा हम बालक बैठे रहा है, लेट पहुंचा सेंटर में जान दो कॉलेज में जान दो, यही बहुत बड़ी समस्या है भाई। राम राम। राम राम भाई। भाई किसने दे वोट? जेजेपी ने दे है भाई। जेजेपी जिताओगे? हां जेजेपी ने भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। किसने दे वोट फिर? दुष्यंत ने दे है भाई साहब वोट तो। अच्छा दुष्यंत ने दोगे? हां दुष्यंत ने दे है। कितने वोटों दे, कितने वोट दोगे, कितना तक आओगे, कितना तक जिताओगे? लगभग भाई साहब 5200 वोट है, दुष्यंत ले जाएगा कम से कम 4000 वोट ले जाएगा गांव मतलोडा में से। 5200 वोट मतलब कल्ला दुष्यंत 4000 वोट? पूरा तगड़ा माहौल है दुष्यंत का, अनुपधानक का। अरे सरपंची में भी पोल को नहीं इतने वोट? अरे हो गए कड़ा हो गए जरूर हो गए। ले बहुत बड़ी बात कह दी भाई ने, 4000 वोट 5200 मतलब कल्ला दुष्यंत के। हाँ भाई बोल। समस्या फैक्ट्री की समस्या भाई ज्यादा तो इस गांव में, फैक्ट्री की समस्या बहुत ज्यादा भाई इस गांव में। भाई इस गांव में एक फैक्ट्री लग रही है, तेजाब की हो चाहे कहीं की हो, उससे प्रदूषण हो रहा है, शाम का टाइम में सांस भी नहीं ले सकते, उसकी समस्या लेकर गए थे हिसार भी गए थे और बरवाड़ा भी गए थे और जो खट्टर आधार है उस लग भी दी थी पहले, लेकिन उसकी समस्या को सुझाव नहीं कर उसका कोई समाधान को नहीं कर। इस फैक्ट्री खातर किस किस का दौरा जाए लिया मामे भाई? सार डीसी दौरे भी जाए लिए, एसपी एसडीएम का भी जाए, सारे जाए लिए भाई। खुद जवाब दे आधा उस तक भी दे दी फाइल, बात जुई भी नहीं हुआ ऐसा समाधान कुछ। तो आशा रानी आवा हो रहा उस तक कुछ बात करी है? आशा रानी तो अभी बात करी लेकिन कोई काम नहीं करे, उसकी कोई सुझाव नहीं दिया है, लगनुआ चालन लग रही वहाँ प्रदूषण इतना है कि कुछ आने वाले टाइम पर कैंसर की बीमारी हो सकता है इतनी खतरनाक।
भाई राम राम। राम राम भाई। और भाई क्या माहौल चल रहा है गांव में? माहौल बढ़िया चल रहा है भाई। किसका माहौल है? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। के बरा उरुश्री सारे नुको दे जेजेपी का है भाई, ये तो कहोगे जो बीजेपी की के खास बात है जो के काम करवाएगा गांव में बीजेपी में? भाई सब तो पहली बात मैं एक बार बताऊंगा, देखे हाल फिलहाल की बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, देखे आपने बीजेपी ने ऐसी मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं की जो पूरी नहीं कर सके। और पार्टियां आप देख लियो मैनिफेस्टो, कांग्रेस देखियो, जेजेपी देखियो, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से इतना तो अपना टोटल हरियाणा का बजट को नहीं जितना वो खर्च हो जाएगा बना रखा जितना। हाँ, अगर उस मैनिफेस्टो के हिसाब से चलना नहीं तो सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी नहीं भाई, हो गया इसका। दूसरी बात ये, एक बात कहो बोले भाई दुष्यंत ने दे दिया टैंकर दे दिया, मैं बहुत अच्छी बात करी गांव में। तारा गांव आया है? मारा गांव नहीं आया भाई, बहुत अच्छी बात है। जिस गांव जिस भी गांव में टैंकर मिले है बहुत अच्छी बात है। गांव गलत है, किसी ने किसी गांव में दो गए है, किसी में भाई तीन गए है। हाल फिलहाल मोदी सरकार ने किसाना है तेरे योजना शुरू हुई अपनी 2000 रुपये वाली, बताओ टैंक का की इम्पोर्टेंस ज्यादा है उसकी मतलब 2000 की? भाई की बात सुनो भाई, भाई की बात को आगे पहुंचाओ भाई। एक तो भाई मतलब कि पर्सनली आप किसी तक 2000 रुपये दे वहाँ, एक सारा गांव तक दो टैंक दे वहाँ, या तो देखो ना आप यो जवाब मेरे पर ना लो, आप यो जवाब देंगे अगले कमेंट करो भाई का। हाँ बिल्कुल भाई, कोई जे जे पी वाला देश का भाई, बिल्कुल भाई का जवाब देश का, कोई जे जे पी वाला खड़ा हो जाए भाई। हाँ भाई, और कोई मतलब की बीजेपी ने 5 साल में कोई खास बात करवाई हो ये बात का खतर के एक बात भाई। हाँ भाई मानना, हाँ भाई थोड़े किसाना का मामला में थोड़ी धीमी रही है, लेकिन इस सरकार ने वो मामले सोल्व कर दिए जो आज तक 70 साल में नहीं हुए थे। 370 जून से मतलब यहाँ पे इसने कौन या बात कहूँ भाई, देश के तरह कैंसर था, टीबी था, यो मामला इसने सुलझा दिया 35 से। हालांकि इन्हें मतलब कुछ ना मतलब इस बात का बेरा नहीं हुआ, 370 हो गए हैं, 35 एक हुआ है। तीन तलाक तो एक ही चीज थी मतलब जिसने मुस्लिम समाज में महिलाओं की बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति हुई थी अपने भारत का सबसे बड़ा मुद्दा था भाई, ये तो बिल्कुल था जी, बिल्कुल था भारत के सबसे बड़े मुद्दे जो हाल फिलहाल में रहे है अपना अयोध्या वाला मान लियो, 3 तलाक हो गया और एक 370 हो गया, इसी सरकार में सोलो हुए हैं। हालांकि अयोध्या वाला पे भाई ना शायद किसी को पता है किसी को नहीं, अयोध्या वाला पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एक महीने के अंदर जवाब आएगा भाई, 2 दिन अयोध्या 144 बिल्कुल लग रही है भाई, बिल्कुल। तो उसके पीछे क्या कारण, धारा 144 क्यों लगाई गई है? धारा 144 का भाई आपने मेरा बाकी मेरे मुंह तो सुनना चाहो, मैं आपने बताऊं इसका रीजन ये है, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे होगा और उसके सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी एक पक्ष के विरुद्ध भी कीजिए। अब मान लियो भाई सुप्रीम कोर्ट यह बात कहो भाई ओडा बनेगा राम मंदिर, तो मुस्लिम तो इस बात हो गए नाराज, पहला ही प्रशासन के हुए प्रशासन भाई पहला ही सचेत है भाई, कुछ दुर्घटना नहीं हो जाए, यानी कोई दंगा नहीं हो जाए, कोई दंगा नहीं हो जाए भाई। तो अपने मुख्यमंत्री की रैली थी पावड़ा गांव में किसी की रही भाई रैली? बिल्कुल बढ़िया रही भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया रही है। आपका जन आधार बढ़िया है के रहा, कितना प्रभाव पड़ा भाई? एक मेन बात मैं आपने बताऊंगा, बीजेपी का वोटर वो साइलेंट वोटर सेलेंट होगा, जोन से ये एंड बैंड होगी, जोन से नू वो नू है वो किसी पार्टी का झंडा ठावा है, कदे नून भाई। मैं एक के बात मैं कह दूं तो गंदा सीधा बीजेपी का जनाधार भी, बीजेपी का वजूद भी है भाई। अच्छा बीजेपी का गंदा सीधा मैं कह दूं जेजेपी वाले रिनेलो वाले बजने वोट से, बिल्कुल बजने वोट से भाई, यही बात है। मैं एकला नहीं कहता, आप भी कहो पूरा हरियाणा कहो है, क्या बात कहो है, मतलब आपकी बातें भी एक बात हो भाई, जोन सा परिवार का नहीं होगा अपना घंटा होगा, जोन सा परिवार का नहीं होगा नहीं वो अपना भाई क्या होगा। तो मतलब कहने का ये हो कि भाई गांव मत है बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी भाई, बिल्कुल जीतेगी। अच्छा दूसरे नंबर पर कौन चल रहा है भाई? दूसरा नंबर पर दूसरा का मानते हो नहीं भाई? ओहो आमन है भाई खुद मतलब है। अच्छा दूसरे जाओ बाड़ में। अच्छा दूसरा कोई दूसरा जाओ, कोई जाओ भाई। ले भाई भी पूरा गर्म हो रहा है, दूसरा तो बताना ही नहीं है, ठीक है। तो भाई सारे भाइयों सारे दर्शक साथियों अनुरोध है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।